उत्तर प्रदेश के रामपुर में कल वन विभाग ने एक तेंदुए को रेस्क्यू किया है। तेंदुए की मेडिकल जांच की गई है, जिसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जंगल के इलाके में छोड़ दिया जाएगा। सवाल क्षेत्र में आज जो ये पकड़ा गया है गुलदार, क्या किस तरह से पकड़ा गया और क्या इसके किस तरह से कोई कैजुअलिटी हुई है? जो उत्तराखंड बॉर्डर पे खेड़ा पारसा करके जगह है, वहाँ पे इसके मूवमेंट कई दिन से सूचना मिल रही थी, तो हमारा स्टाफ भी तैनात था और हम लोगों ने वहाँ पे पिंजरा लगा दिया था। इत्तेफाक से वो पिंजरे में आ गया, सुबह सूचना मिल गई है और अब उसका परीक्षण जो है पशु चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है और अगर वो फिट होगा, हेल्दी होगा, तो इसको फिर हम मारकर के जंगलों में हम रिलीज कर देंगे। तो इससे कोई कैजुअलिटीज हुई है कि इस तरह का कोई हमला? कोई कैजुअलिटी की सूचना तो नहीं है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।